अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद रिजवान रज़ा। आप देख रहे हैं रज़ा स्पीक्स। बहुत दिनों के बाद आपके सामने हाजिर हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, हर मुसलमान की एक ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी में एक बार कम से कम वो खानाए काबा की ज़ियारत ज़रूर करे। और हज और उमरा से बहुत सारे लोग सरफराज हुए हैं, हज और उमरा भी किए हैं। मगर दोस्तों, आपको बता दूँ, केरला के रहने वाले शिहाब ने हज करने का एक अलग ही तरीका अपनाया है, अलग ही अंदाज़ अपनाया है। ऐसा इरादा थाना है जिसके इरादे को देख कर पूरी दुनिया हैरान में है। केरला के रहने वाले शिहाब ने वो नेक इरादा कौन सा किया है, आप लोग बाखूबी जानते हैं। शिहाब ने ये फैसला किया है कि वो 8,640 किलोमीटर का सफर तय करके 2023 के होने वाले हज में शरीक हिस्सा बनेंगे। दोस्तों, दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनके इस सफर को आसानी अता फरमाए और 2023 के होने वाले हज में उनको शरीक अता फरमाकर उनके हज को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए और उनकी वजह से हम तमाम मुसलमानों की परेशानी को दूर अता फरमाए। दोस्तों, आपको बता दूं, जैसे ही शिहाब केरला की सरजमीन से अपने सफर का आगाज किया था, जैसे ही मुसलमानों को इसकी खबर हुई कि शिहाब 8,640 किलोमीटर का सफर तय करके 2023 के होने वाले हज में शरीक होंगे, तो तमाम मुसलमान उसके हौसला अफजाई के लिए उसके साथ चल पड़े। जहां जहां मौका मिला, मुसलमानों ने उनका इस्तकबाल किया, भरपूर उसका स्वागत किया और आज शिहाब राजस्थान की सरजमीनी में मौजूद है। जी हां दोस्तों, शिहाब केरला से अपनी सफर का आगाज किया था। केरला से होते हुए कर्नाटका, कर्नाटका से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान, आज शिहाब राजस्थान की सरजमीनी में मौजूद हैं। फिर राजस्थान से हरियाणा, पंजाब होते हुए पाकिस्तान का सफर तय करेंगे। फिर पाकिस्तान से होते हुए ईरान, इराक और फिर सऊदी अरबिया, फिर 2023 फरवरी में मक्का जाकर पहुंच जाएंगे। 2023 के होने वाले हज में शरीक हिस्सा बनेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं, आज शिहाब राजस्थान की सरजमीन में मौजूद हैं। ऐसे में जब शिहाब राजस्थान की सरजमीन में आज पहुंचे, तो राजस्थान की पुलिसों ने कुछ ऐसे सवाल किए जिसे सुनना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। उनके नेक इरादे को देख कर दुनिया के तमाम मुसलमान, ना सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर भी उनको सलाम कर रहे हैं। उनकी हिम्मत, उनकी बहादुरी, उनके नेक इरादे को लोग सलाम कर रहे हैं। मैं वीडियो आपके स्क्रीन पर लगाता हूँ, वीडियो देखें, उसके बाद अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप भाई भाई पैदल चलते चलते यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? You can see that this person with this guy, he is walking towards Mecca Medina by foot, his own feet. He started from Kerala. Now he is in Mangaon. Now he is going to Panvel, by Panvel to Kalyan, Kalyan to all the way from Delhi to Pakistan and then Kuwait and then Jordan, Iran, Iraq, Kuwait and Saudi Arabia. His name is Hanif. So I am going to give him congratulations and best of luck from Raigad Maharashtra Police. Thank you very much. All the best. Thank you.